हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है क्योंकि हम इसी एक वीडियो में पूरा ये चैप्टर को कम्प्लीट पढ़ने वाले हैं और बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपका समय एक सेकेंड भी ख़राब नहीं किया जाएगा। यदि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आज के बाद आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, आप सभी प्रश्नों को सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है रैंकिंग। क्या नाम है? रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करके हमें बताइएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग को हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण, तो देखिए, जो रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण होता है इसमें दो शब्द का प्रयोग होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप रो यानी कॉलम रो भी कह सकते हैं, रो, ठीक है। और इसको हिंदी में आप कह सकते हैं पंक्ति, पंक्ति। और एक शब्द यहां पास प्रयोग किया जाएगा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, जिसको हम कॉलम भी कहते हैं, कॉलम कह सकते हैं। और इसको हिंदी में बोल देते हैं स्तंभ, स्तंभ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पास समझिएगा, अगर हम रो की बात करेंगे तो रो कैसा होगा? तो रो ऐसे होगा, यानी जो पड़ी रेखाएं होती है उसको वो हॉरिजॉन्टल लाइन या रो यानी पंक्ति कहते हैं। तो अगर कोई भी पंक्ति है तो पंक्ति में एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, पंक्ति में एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन यानी स्तंभ है, अगर कोई वर्टिकल लाइन ये है स्तंभ, इसको स्तंभ कहेंगे यानी वर्टिकल लाइन, एक कॉलम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक टॉप होगा और एक बॉटम होगा, टॉप एंड बॉटम, दो वर्ड यानी ऊपर और नीचे, ये दो वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, लेफ्ट मतलब होता है बायां और राइट मतलब होता है दायां। अब यहां पास इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, अगर लेफ्ट कह रहा है तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वो इसका राइट होगा, यानी हमारा दायां और बायां, हमारा ऊपर और नीचे, जो हमारा होगा वो इसका होगा। ये चीज आपको समझ में आया? तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से प्रश्न कैसे बनाएगा, जैसे मान लो एक प्रश्न आया कि राम का बाएं से स्थान 15वां है, तो बाएं से स्थान 15वां, तो इसको हम कैसे फिगर बनाएंगे? तो आपको इस प्रकार से फिगर बनाना होगा, यानी लेफ्ट से कह रहा है तो लेफ्ट से हमको यहां, लेफ्ट से राम का स्थान 15वां है तो राम को यहां पास हमको लिखना होगा, ठीक है, और यहां पास 15वां लिखना होगा। तो ये लेफ्ट से राम का स्थान 15वां हो गया। अगर ये पूछा जाता क्वेश्चन, ये कहता कि श्याम का राइट से स्थान 16वां है, तो आपको राइट से कह रहा है तो राइट से हमको ऐसे खींचना होगा लाइन, यानी इस साइड से इस साइड, यानी जो हमारा राइट होता है वो श्याम का राइट होगा, ठीक है। तो इधर से हम इधर खींचेंगे तो यहाँ पास हम बैठाएंगे श्याम को, और कौन नंबर पर है, मान लेते हैं श्याम राइट से 16वें स्थान पर, 16वें नंबर यहाँ पर लिख दिए,
ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको शो करेंगे। अगर इसकी हम बात करेंगे टॉप और बॉटम की, तो अगर मान लेते हैं ऐसे कह दिया कि अनिल का स्थान ऊपर से 15वां है, तो ऊपर से 15वां अगर कह रहा है तो हम ऊपर से 15वां यानी ये करेंगे, तो यहां पास हम खींचेंगे 15वां, यहां पास अनिल को बैठा देंगे। ठीक है, ये ऊपर से हो गया। अगर हम ये कहता कि अनिल का स्थान नीचे से 16वां है, तो नीचे से 16वां होने का मतलब ये है कि हमको नीचे से खींचना होगा ऊपर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम इसके आगे चलते हैं और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसको सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो प्रश्न बनते हैं दो प्रकार के बनते हैं। एक वो बनते हैं जब कोई एक व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से दिया गया हो या एक ही छोर से दिया गया हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये बनता है जब ढेर सारे यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति आते हैं और उनका स्थान एक छोर से या दो छोर से दिया जाता है, तो उस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि टाइप फर्स्ट के प्रश्न कैसे बनेंगे। देखिए टाइप फर्स्ट, जब एक ही व्यक्ति का पंक्ति में स्थान दोनों छोर से दिया गया हो, पंक्ति में तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है इसमें कह रहा है कि जब एक ही व्यक्ति का पंक्ति में स्थान दोनों छोर से दिया हो। अब इसको आप समझिए, जैसे मान लीजिए, देखिए हम एक प्रश्न के थ्रू समझते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि एक पंक्ति में रोहन दसवें स्थान पर है, यानी बाएं से दसवें स्थान पर है, ठीक है, बाएं से दसवें स्थान पर है और दाएं से दसवें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो जैसे प्रश्न कह रहा है ना, वैसे ही हमको करना है। कह रहा है पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से कह रहा है, तो हम बाएं से लिखेंगे। बाएं से कौन सा स्थान पर है, दसवें स्थान पर। कौन है भाई, रोहन। तो रोहन मैंने यहाँ पास लिख दिया। ठीक है, रोहन बाएं से यानी लेफ्ट साइड से, ठीक है, दसवें नंबर पर है। और दाएं से, तो दाएं से कह रहा है तो दाएं से यानी इस साइड से होगा, तो दाएं से कौन नंबर पर है, दाएं से भी दसवें नंबर पर है। ठीक है, रोहन। तो कह रहा है कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है, ये राइट से। ठीक है, तो राइट से कह रहा है तो इधर से, और लेफ्ट से कह रहा है तो इधर से। ठीक है, तो इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप समझिएगा कि अगर दसवां स्थान लेफ्ट तरफ से दसवां स्थान है, तो इसके पीछे कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो आप कहेंगे इसके पीछे कुल 9 व्यक्ति होंगे। अगर राइट तरफ से दसवां स्थान है, तो यानी इसके आगे कितने व्यक्ति होंगे, तो आप कहेंगे 9 व्यक्ति होंगे। तो यानी आपके पास 9 + 9 यानी 18 व्यक्ति तो ये हो गए, और एक रोहन खुद स्वयं है, तो एक रोहन और आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पास, तो आप कहेंगे 19 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए, 19 व्यक्ति। ये चीज आपको समझ में आया। या तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि राइट साइड से 10 थे, ठीक है, और सॉरी लेफ्ट साइड से 10 थे और राइट साइड से भी 10 थे, यानी कुल कितने हैं, 20 हैं। तो जो यहाँ पास 10 10 मैंने कर लिया, तो यहाँ पास रोहन दो बार काउंट हो चुका है। जब रोहन दो बार काउंट हो चुका है, तो रोहन को एक यहाँ से हमको घटाना होगा। जब यहाँ से हम एक घटाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 19 हो जाएगा। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हो गई 19। तो यहां से एक फार्मूला जनरेट होता है। तो फार्मूला जनरेट क्या हो रहा है, तो फार्मूला आपको यह करना है कि अगर आपके दो मतलब किसी व्यक्ति का पोजीशन दोनों तरफ से दिया गया हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां पास अगर राइट तरफ से भी दिया गया हो और लेफ्ट तरफ से भी दिया गया हो, ध्यान समझिए, यहां पास राइट तरफ से दिया गया हो और लेफ्ट तरफ से दिया गया हो, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके एक घटा देना है, टोटल व्यक्ति निकल आएंगे। तो यानी यहां से आप फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला क्या बनाएंगे, तो टोटल व्यक्ति बराबर यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पर्सन। तो या तो टोटल पर्सन यहां पास लिख देते हैं, टोटल पर्सन। तो टोटल पर्सन बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करना है और माइनस का 1 कर देंगे, तो ये टोटल पर्सन निकल आएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आएगा। तो यहां से आपका एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है, यहीं से देखिए, दूसरा फार्मूला ये बन सकता है। मान लेते हैं कि आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है, और एक तरफ का साइड दे दिया और दूसरे तरफ का साइड पूछ लिया, तब क्या करेंगे। तो यहां पास करना क्या है, तो यहां पास आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लेते हैं आपको लेफ्ट साइड निकालना है, लेफ्ट
लिफ्ट रैंक अगर आपको पता करना है तो एक चीज याद रखना, लिफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल, टोटल पर्सन और प्लस का वन कर लीजिए, प्लस का वन कर लीजिए और माइनस का राइट घटा दीजिए, ठीक है। टोटल पर्सन में एक ऐड करके घटा दीजिए राइट को, तो हमारा लेफ्ट निकल आएगा। अगर हमको यहां से बनाना है कि भाई हमको राइट निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट यहां पास लिखना है और यहां पास टोटल पर्सन में प्लस वन करना है और माइनस का लेफ्ट घटा देना है। तो यानी यहां से आपका तीन फार्मूला बन चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से टॉप और बॉटम का फार्मूला बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं प्रश्न, मैं प्रश्न के थ्रू समझाता हूं, ठीक है, ये प्रश्न समझ में आ गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये चीज हम प्रयोग करेंगे, ये चीज हम प्रयोग करने वाले हैं। अगर टोटल पर्सन निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस का वन कर दीजिए, टोटल पर्सन निकल आएगा। अगर आपको लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट निकालना है और टोटल पर्सन दिया गया हो, ठीक है, और राइट यानी एक पोजीशन दिया गया हो, तो आपको क्या करना होगा, टोटल पर्सन में एक ऐड करना है और माइनस का राइट कर देना है, तो लेफ्ट निकल आएगा। राइट निकालना है, टोटल पर्सन में प्लस वन करिए, माइनस का लेफ्ट घटा दीजिए, राइट निकल आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए हम टॉप और बॉटम से एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ऊपर और नीचे से क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रश्न आपके पास ये होता कि यदि एक मतलब एक स्तंभ में, एक स्तंभ में राम का स्थान ऊपर से दसवां है और नीचे से बारहवां है, ठीक है, तब उस स्तंभ में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये चीज बताना है। देखिए राम का स्थान ऊपर से दसवां, तो ऊपर से दसवां कह रहा है, तो ऊपर से हम इस तरह लिखेंगे, यानी ऊपर से यहां पास राम जो है कौन नंबर पे, दसवां नंबर पर है, और नीचे से बारहवां नंबर पर, तो नीचे से बारहवां नंबर पर यहां पास है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो यहां पास अगर देखें तो वही देखिए बनेगा, पूरा यही चीज बनेगा। ये बताइए दस अगर ऊपर से है तो यानी इसके ऊपर कितने होंगे, तो कहेंगे नौ होंगे, इसके नीचे कितने होंगे, तो कहोगे ग्यारह होंगे, ठीक है। तो ये बताइए टोटल कितने हो गए, तो कहोगे नौ और ग्यारह, यानी कितने हुए, ग्यारह नौ बीस, ठीक है। अब यहाँ पास एक राम है, तो यहाँ पास एक राम को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा टोटल 21, यानी 21 इसका आंसर हो जाएगा, 21 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 10 और 12 जो पोजीशन दिया था, 10 12 को ऐड कर लीजिए, 10 12 कितना हो गया, तो कहोगे 10 12 हो गया 22, कितना हो गया 22। अब यहाँ पास जो 22 हुआ, ये राम दो बार काउंट हो चुका है, जब राम यहाँ पास दो बार काउंट हो गया तो एक बार हमको घटाना होगा, तो कितना आएगा आंसर 21, ये कर दिए। या तो यहां से एक फार्मूला बना सकते हो कि भाई टोटल पर्सन आपको निकालना है, टोटल पर्सन, तो टोटल पर्सन बराबर क्या हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन कर दीजिए। तो टॉप कितना है, तो कहोगे टॉप में यानी ऊपर से दसवें नंबर पर है, ठीक है, और नीचे से बारहवें नंबर पर है, ठीक है, और माइनस का वन हमको करना है, तो ये बताइए यहां पास 10 12 22 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 21, ये हो गया हमारा आंसर। यानी यहां से एक फार्मूला हमारा और बन सकता है, तो उस फार्मूले को हम यहां पास लिख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला हमारा यहां पास और बन गया, इसी से है, मतलब यही चीज पूरा है। तो आपको अगर इस तरह आ जाए कि भाई टोटल पर्सन आपको निकालना है, टोटल पर्सन, तो टोटल पर्सन हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम, मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस वन, ठीक है। अगर आपको टॉप चाहिए, टॉप, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, टोटल पर्सन में प्लस का वन करिए, ऐड करिए, ठीक है, और माइनस का बॉटम घटा दीजिए, ये हो गया। अगर हमको बॉटम चाहिए, अगर बॉटम चाहिए तो क्या करना होगा, टोटल पर्सन में प्लस का वन जोड़िए और माइनस टॉप घटा दीजिए, ये हो गया हमारा नेक्स्ट फार्मूले, तीन फार्मूले ये और बन गए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जब एक ही व्यक्ति का पंक्ति में स्थान दोनों, मतलब स्थान दोनों छोर से दिया हो, इससे रिलेटेड प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप याद करिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने फर्स्ट प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न दिख रहा है, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये बताना है।
जैसे कह रहा है वैसे हमको करना है। देखिए बाएं छोर से, अब फिगर बनाने की यहाँ पास जरूरत नहीं, मैं फिगर बना के एक सिखा देता हूँ कि कैसे करना है। देखिए बाएं छोर से कौन नंबर पर मोहन कहोगे, 18वें नंबर पर, तो बाएं छोर से 18वें नंबर पर मोहन है, ठीक है, मोहन यहाँ पास मैंने लिख दिया, तो यहाँ पास है 18वें स्थान पर, ठीक है। और दाएं छोर से कौन नंबर पर है, तो दाएं छोर से 17वें नंबर पर है, ठीक है। तो लेफ्ट से 18वें पर, राइट से 17वें पर, हमको निकालना है टोटल पर्सन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों को ऐड करना है और माइनस का वन कर देना है। तो 18 और 17 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो कहोगे 8 7 15 यानी 35, और 35 में से एक जाएगा तो 34, यानी इसका आंसर हो गया 34, ठीक है। तो आप फार्मूलेज भी लगा सकते थे, फार्मूलेज कैसे लगेगा देखिए, राइट से यानी लेफ्ट से दिया था 18वां और राइट से दिया है 17वां, ठीक है। तो इनको ऐड करिए पूरा, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि भाई यहाँ पास आपका जो फार्मूला होता है क्या है, टोटल पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का वन। तो लेफ्ट प्लस राइट यानी 35 हो गया और माइनस का वन करेंगे तो क्या आएगा 34, 34 हो गया हमारा आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो हो गया 34। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो नीचे से कौन से स्थान पर है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पास आपको दिया गया है टोटल व्यक्ति, टोटल पर्सन 50 हैं, टोटल पर्सन कितने हैं 50, ठीक है। अब यहाँ पास कह रहा है यदि मोहन ऊपर से यानी टॉप से दिया गया है, टॉप से रैंक दिया है 20वां, ठीक है, टॉप से 20वें स्थान पर है, तो हमको निकालना है बॉटम से कौन से स्थान पर होगा, बॉटम से, ठीक है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो मैंने बताया था अभी कि भाई बॉटम बराबर क्या होता है, तो बॉटम बराबर होता है टोटल पर्सन प्लस का वन और माइनस का टॉप, ये होता है, आप इसको लगाइए। तो टोटल पर्सन कितना है, तो कहोगे टोटल पर्सन है 50 और इसमें एक ऐड कर दीजिए और प्लस का वन करेंगे और माइनस का जो टॉप का पोजीशन दिया है उसको घटा दीजिए, तो 50 1 51 माइनस का 20 कितना हो गया 31, तो हमारा आंसर हो जाएगा 31, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से राम का 18वें स्थान है तो बाएं छोर से राम का स्थान बताइए, ठीक है, ये चीज है। तो ये समझिए यहां पास पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल पर्सन बराबर हैं 40, टोटल पर्सन कितने हैं 40 हैं, ठीक है। और यहाँ पास राम का बाएं छोर से दिया गया है, दाएं छोर से राम का स्थान 18वां है यानी राइट से दिया है 18वें नंबर पर, हमको लेफ्ट से बताना है। तो मैंने बताया था ना कि अगर आपको लेफ्ट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, टोटल पर्सन में एक ऐड करना है और माइनस का राइट करना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, टोटल पर्सन 40 में एक ऐड करेंगे तो 41 में माइनस 18, तो 41 माइनस 18 करेंगे कितना हो जाएगा 23 हो गया इसका आंसर, क्या हो गया आंसर 23, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में मोहिनी बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, दाएं से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास आपको यहाँ पास बाएं से मोहिनी का बाएं छोर से कौन सा स्थान दिया है, बाएं छोर से दिया है 18वें स्थान पर, और राइट से क्या दिया है, तो राइट से दिया है 15वें स्थान पर, हमको टोटल पर्सन निकालना है। अगर टोटल पर्सन निकालना है तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का वन, तो लेफ्ट और राइट कितना है 18 और 15, तो 18 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 1 1 2 1 3 इन 33 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 32, ठीक है, आंसर क्या आ गया 32। चलिए एक क्वेश्चन इसके और करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में श्याम ऊपर से 15वें स्थान पर है, ठीक है, तथा नीचे से उसी कक्षा में श्याम का स्थान बताइए, टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल पर्सन यहां पास दिया है 50, टोटल पर्सन कितने हैं 50 हैं, ठीक है, टोटल व्यक्तियों की संख्या 50 है, और ऊपर से यहां पास श्याम का, ऊपर से टॉप से जो स्थान दिया गया है वो 15वां दिया है, 15वां, ठीक है, हमको बॉटम का चाहिए, तो बॉटम बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे बॉटम बराबर हो जाएगा टोटल व्यक्ति यानी टोटल पर्सन प्लस का वन माइनस टॉप,
ये होता है। तो टोटल पर्सन 50 है, 50 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, 51 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप 51 में से 15 घटा दीजिए तो आ जाएगा 36, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा, 36 इसका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को लगभग 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट यानी अगला टाइप जो है, देखिए हमारा टाइप टू जो है, टाइप टू कह रहा है जब पंक्ति में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्थान दिया हो। देखिए जब पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दिया गया था तो मैंने यहाँ पास सिखा दिया एक व्यक्ति वाले, तो एक व्यक्ति वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्थान जब दिया होता है पंक्ति में तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें जो है ध्यान समझिएगा, इस तरह के प्रश्न को समझने के लिए हमको क्वेश्चन के थ्रू समझना होगा, ठीक है। देखिए जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न देखिए, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, ठीक है, यानी पंक्ति में जो रवि है वो बाईं ओर से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं से 4था है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तो देखिए यहां पास लगभग 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है रवि के दाएं छोर से रैंक क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अमित के बाएं छोर से रैंक क्या है, तीसरा क्वेश्चन है दीपक की दाएं छोर से रैंक क्या है, चौथा क्वेश्चन है दीपक की बाएं छोर से रैंक क्या है, और पांचवा क्वेश्चन है अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, और छठवां क्वेश्चन है अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, सातवां क्वेश्चन रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति, और आठवां क्वेश्चन पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कुल मिलाकर इस प्रश्न से 8 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यानी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार जब कभी भी प्रश्न इस प्रकार के आए तो आपको दो फिगर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दोनों फिगर को आप बनाते चलेंगे, जहां पास फिट नहीं बैठेगा समझ लीजिए वो फिगर गलत हो गया, और जो एकदम सेटिस्फाई कर गया वो समझ लो सही है। तो देखिए हम लोग फिगर को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हमको करते जाना है। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, तो जब बाईं ओर से 15वां कह रहा है तो बाईं ओर से हम ऐसे करेंगे, तो रवि यहां पास हम लिख देते हैं रवि, रवि बाईं ओर से कौन नंबर पर है, 15वें नंबर पर है, ठीक है, रवि बाईं ओर से 15वें नंबर पर है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अमित दाएं छोर से 16वां है, अमित दाएं छोर से 16वां है, तो मान लेते हैं अमित यहां पास हो सकता है, अमित यहां पास हो सकता है दाएं छोर से 16वां है। तो ये बताइए क्या अमित ऐसे ही हो सकता है, हो सकता है कि देखिए यहां पास मैं एक फिगर और बनाता हूं, एक फिगर मैं यहां पास और बनाता हूं, मान लेता हूं कि यहां पास जो रवि है, रवि मान लेते हैं यहाँ पास है, ठीक है, 15वें नंबर पर, और अमित मान लेते हैं दाएं छोर से, अमित मान लेते हैं यहाँ पास है यानी 16वें नंबर पर, ऐसे भी तो हो सकता है अमित मान लेते हैं यहाँ पास है, क्या ऐसे नहीं हो सकता, हो सकता है, इधर से राइट से तो है और ये लेफ्ट से है, ये लेफ्ट से है और ये राइट से है, यानी ऐसे भी फिगर बनाया जा सकता है। अब आगे प्रश्न को जैसे कह रहा है वैसे करिए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दीपक रवि के दाएं से 4था है, दीपक जो है रवि के दाएं से 4था है, तो आप एक चीज समझिएगा, यहां पास रवि बैठा हुआ है, ये रवि है, तो रवि का दाया जो होगा वही हमारा दाया, यानी जो हमारा दाया होता है वो रवि का दाया होगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो कह रहा है कि रवि के दाएं 4था है, तो रवि का दाया क्या होगा, हमारा दाया ये होगा, तो रवि का दाया भी ये होगा, यानी यहां से 4थे स्थान पर यहां पास कौन बैठा है, तो यहां पास बैठा है दीपक, 4थे स्थान पर कौन बैठा है, तो 4थे स्थान पर है दीपक, यानी यहां पास दीपक बैठा है, ठीक है, दीपक यहां पास 4थे स्थान पर है। तो इसी प्रकार से यहां भी हम कर लेते हैं, रवि का दाया कौन होगा, इधर होगा, तो रवि के दाया इधर होगा, तो रवि के यानी 4थे स्थान पर यहां पास जो होगा दीपक होगा, यहां दीपक होगा, ठीक है, यहां पास हो जाएगा दीपक, बैठा दिए। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, दीपक अमित के बायां, तो अमित का बायां जो हमारा बायां होगा वो अमित के बायां होगा, तो अमित का बायां इस साइड होगा कि इस साइड होगा, तो कहोगे इस साइड होगा, तो अमित के बायां से 5वें नंबर पर कौन है, दीपक है, तो अमित के बायां से 5वें नंबर पर, तो अमित का बायां यहां पास देखिए, जब अमित का बायां हम करेंगे तो इधर जाएंगे, जबकि ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, दीपक यहां बैठा तो इधर कैसे आ सकता है, अमित यहां पास है, तो यानी ये फिगर हमारा गलत हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है, जब सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो इसको हम गलत मानेंगे, यानी अभी ये जो होगा ये गलत हो गया, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब ये फिगर आपकी सही है। आगे क्या कह रहा है, अमित के बाएं से 5वां है, तब अब प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। देखिए प्रश्न जो है हमारे पास दिया है, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है,
ठीक है, रैंक और डिस्टेंस वही होता है, ये चीज याद रखिए। तो मैं यहां पास लिखवा देता हूं कि अगर कभी भी रैंक आए, ध्यान समझिएगा, यहां पास लिखिए रैंक और डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी मतलब वही होता है, चाहे रैंक कहो या डिस्टेंस यानी दूरी कहो, ठीक है, चाहे रैंक कहो या डिस्टेंस कहो, बात वही है, ये चीज याद रखिएगा। एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं आप, जो रैंक यानी जो रैंक होता है वो टोटल पर्सन प्लस वन होता है, ठीक है, टोटल पर्सन प्लस वन होता है, टोटल पर्सन प्लस वन होता है, यानी जो रैंक होता है वो टोटल पर्सन प्लस वन होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो रैंक या डिस्टेंस हम कह सकते हैं, यानी डिस्टेंस बराबर हो जाता है टोटल पर्सन प्लस वन, डिस्टेंस बराबर हो जाता है टोटल पर्सन प्लस वन। अगर आपको पर्सन यानी टोटल पर्सन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो जो पर्सन होते हैं, ध्यान समझिएगा, टोटल पर्सन आप कह सकते हैं, तो टोटल पर्सन जो होता है वो रैंक या डिस्टेंस, रैंक या डिस्टेंस माइनस वन होता है, यानी रैंक और डिस्टेंस से एक कम जो होता है वो टोटल पर्सन होता है, ये चीज याद रखिएगा। रैंक या डिस्टेंस से एक कम जो होता है वो मतलब पर्सन होता है, क्या होता है, पर्सन होता है। तो आपको ये तीन पॉइंट याद रखिएगा, पहला रैंक और डिस्टेंस बराबर होते हैं, यानी वही चीज होते हैं, अगर रैंक और डिस्टेंस दिया गया हो टोटल पर्सन प्लस वन होता है, यानी रैंक और डिस्टेंस के बराबर होता है टोटल पर्सन प्लस वन, और यहां पास अगर बात करें तो पर्सन बराबर हो जाएगा रैंक अथवा डिस्टेंस माइनस वन। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो इसको आप कहीं पास नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है रवि के दाएं छोर से रैंक क्या है, यानी रैंक यानी डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रवि के दाएं छोर से रैंक, तो ये बताइए रवि है यहाँ पास, रवि ये है, तो रवि का दाया किधर होगा, कहोगे रवि का दाया इस साइड होगा, यानी इस साइड से रैंक बताना है। तो ये बताइए अगर इस साइड से रैंक बताना है तो 16 तो यहाँ पास हो गया, ठीक है, 16 ये हो गया, प्लस 5 ये हो गया, और प्लस, ठीक है, 4 ये हो गया, यानी 16, 5 और 4, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 16, 5, 21, 4, 25, यानी इसका जो आंसर आएगा हो जाएगा 25। तो रवि का दाएं छोर से जो रैंक है वो 25 है, रवि का दाएं छोर से रैंक क्या हो जाएगा, 25। अब देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है, अमित के पूछ ले, तो अमित कौन है, ये है भाई अमित, यहाँ पास है, तो अमित का बायां किधर होगा, इस साइड होगा, तो इस साइड से रैंक पूछ रहा है। तो अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ से 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की रैंक देखें तो यहाँ पास 4 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की रैंक देखें तो कितना है, 15 है, तो कितना हो जाएगा, 15, 4, 19, 5, 24, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 24, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा प्रश्न कह रहा है दीपक की दाई छोर से रैंक क्या है, दीपक की दाई छोर से रैंक, तो दीपक है यहाँ पास, दीपक यहाँ पास है, तो दीपक का दाया इस साइड से, तो 16 और 5, 19, यानी 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 19, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19, ठीक है, तीसरा हो गया। अगर चौथे प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है दीपक की बाएं छोर से रैंक क्या है, तो दीपक का बाया इस साइड है, ठीक है, इस साइड से, तो 15 प्लस 4 यानी 19, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19, यानी चौथा मतलब क्वेश्चन भी लग गया, ठीक है। अब हम लोग पांचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं, कह रहा है कि अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो अमित और रवि, अमित है यहां, रवि है यहां, तो इनके बीच में आपको टोटल डिस्टेंस या टोटल रैंक काउंट करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस देखें तो यहां से यहां तक 5 है, और प्लस अगर यहां पास देखें तो 4 है, तो 5, 4, 9, तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ 9। अब व्यक्तियों की संख्या अगर बताना है तो मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस से एक कम व्यक्तियों की संख्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस है 9, तो 9 से एक कम क्या हो जाएगा, यानी 8 व्यक्ति होंगे, ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा पांचवें प्रश्न का आंसर हो गया। अब छठवां प्रश्न देखते हैं, तो छठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो अमित है यहाँ, दीपक है यहाँ, यानी अमित और दीपक के बीच में रैंक कितना है, तो आप कहेंगे 5, तो 5 रैंक है और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब रैंक से एक कम कुल व्यक्तियों की संख्या होता है, तो रैंक है 5, 5 से एक कम यानी 4, इसका आंसर होगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, रवि और दीपक के बीच में, तो रवि और दीपक के बीच में रैंक कितना है, कहोगे 4,
और रैंक से एक कम व्यक्तियों की संख्या होती है, तो चार से एक कम यानी तीन यहाँ पास व्यक्ति होंगे, ये आंसर हो गया। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है टोटल व्यक्ति कितने हैं यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो यहाँ पास जितने भी रैंक है ना पूरा रैंक काउंट करिए और एक कम कर दीजिएगा तो टोटल पर्सन निकल आएगा, तो रैंक कितना है कहोगे 15 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 16, जब इसको हम टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं काउंट करके, तो देखिए 15 5 20, 20 4 24, 24 16 40, तो 40 टोटल रैंक आ गया, और रैंक से एक कम व्यक्तियों की संख्या होता है, तो यहाँ से जब एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 39, तो 39 इसका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बहुत मेहनत किया इसको समझाने में, ठीक है, और इसके लिए तो एक लाइक बनता है, और आप लोग लाइक करिए अगर आपको समझ में आ रहा है, और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है। चलिए हम अब इस तरह के और प्रश्न सोल्व करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है तब पंक्ति में उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, ये चीज़ बताना है। देखिए जैसा प्रश्न कहेगा वैसे हमको करना है, ध्यान समझिए, कह रहा है कि एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, कमल जो है बाएं छोर से 18वां यानी यहाँ पास है कमल, कमल यहाँ पास है और इसका जो रैंक है बाएं छोर से क्या है 18वां है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, बाएं से 18वां ये है और रोहन बाएं से 7वां है, बाएं से रोहन 7वां है, मान लेते हैं यहां पास रोहन होगा, यहां पास रोहन है, बाएं से 7वां है, ठीक है, बाएं से 7वां है, हाँ सही है, मैंने यहां पास देखिए एक ही फिगर बनेगा इसका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पास क्या कह रहा है, कह रहा है कमल बाएं छोर से 18वां है, बाएं छोर से 18वां कर दिया, और रोहन जो है वो बाएं छोर से कितना है 7वां है, बाएं छोर से 7वां है, तो कह रहा है कि इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है, यानी इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या बताना है, तो ये बताइए टोटल जो है अगर यहाँ से देखा जाए तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर है, मान लेते हैं डिस्टेंस 18 किलोमीटर है और 7 किलोमीटर ये चल लिया, तो इधर कितना होगा, इधर कितने किलोमीटर होगा, तो कहेंगे इधर जो होगा ना भाई 7 निकल गया तो इधर होगा 11 किलोमीटर, 11 मतलब 11 होगा, रैंक कितना है 11, तो मैंने बताया कि इनके बीच में अगर व्यक्तियों की संख्या फाइंड करना है तो इनके बीच में रैंक कितना है, तो कहोगे रैंक है 11, और व्यक्तियों की संख्या अगर निकालना है तो व्यक्तियों की संख्या एक रैंक से कम होती है यानी 10, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10, यानी 10 व्यक्ति हो जाएंगे टोटल पर्सन, यहाँ पास टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे 10, तो 10 हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हमको लिखना है, ठीक है, जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही हमको लिखना है। इसमें क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित जो है बाएं छोर से 12वां है, तो बाएं छोर से मैंने यहाँ पास 12वां कर दिया, ये 12वां है, यहाँ पास कौन है मोहित, मोहित यहाँ पास है, मोहित बाएं छोर से 12वां है, बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से, सुमित दाएं छोर से 15वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है, ठीक है, तो सुमित दाएं छोर से 15वां, तो एक काम करते हैं सुमित को दाएं छोर से हम बनाते हैं, दाएं छोर से सुमित दाएं छोर से 15वां है, सुमित मोहित के दाएं हैं, तो सुमित मोहित के दाएं यानी इस साइड से है, ठीक है, दाएं हैं, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पास ध्यान देने वाली बातें हैं, अब यहाँ पास बड़े ही ध्यान समझेंगे तभी प्रश्न अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां, मैंने 12वां कर दिया, कह रहा है सुमित दाएं छोर से 15वां है, ठीक है, सुमित मोहित के दाएं है यानी सुमित जहाँ भी बैठा होगा, मान लेते हैं सुमित यहाँ पास बैठा है, ठीक है, सुमित यहाँ पास बैठा है और इधर से कौन नंबर पर है सुमित, तो सुमित इस साइड से कौन नंबर पर है, तो आप कहेंगे 15वें नंबर पर है,
पंद्रहवें नंबर पर, सुमित इस साइड से पंद्रहवें नंबर पर है। अब इनके बीच में कह रहा है कि इनके बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है, 6 है। अच्छा ये बताइए, अगर कुल व्यक्ति यहाँ पास 6 हैं तो टोटल रैंक कितना होगा? तो व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक रैंक होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रैंक होगा हो जाएगा 7। कितने रैंक हो जाएगा? 7 रैंक, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी पहला क्वेश्चन है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा टोटल रैंक करिए काउंट, 12 + 7 + 15 तो कितना हो जाएगा, 12 + 7 = 19, ठीक है। एक इसमें लीजिए 20, यानी 34, तो 34 यहाँ पास रैंक हो गया, तो 34 से एक कम क्या हो गया व्यक्तियों की संख्या, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 33 होगी, तो 33 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 33 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दाएं छोर से मोहित का स्थान कौन सा है, दाएं छोर से मोहित का स्थान कौन है, तो मोहित यहाँ पास है दाएं छोर से यहाँ, तो 15 + 7 = 22, तो 22 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। दाएं छोर से मोहित का स्थान 22 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं हैं, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। देखिए एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, जैसे कह रहा है वैसे लिखते चलिए, बाएं छोर से कह रहा है 11वां है, तो 11वां यहाँ पास लिख दिया, यहाँ पास है अनुपम, ठीक है, अनुपम मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 11वां है तथा दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं हैं। अब देखिए दीपक अनुपम के बाएं हैं यानी इस साइड है, ठीक है, और दाएं छोर से है तो यानी यहां से ऐसे होगा, ठीक है। तो दाएं छोर से दीपक दाएं छोर से 13वां, दाएं छोर से 13वां, यहाँ पास 13वां हो गया, यहाँ पास कौन बैठा है, दीपक, यहाँ पास दीपक बैठा है, ठीक है, दीपक बैठ गया। अब आगे क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे करते चलिए, 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं है, ठीक है, बाएं बैठा दिए, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं भाई, 4 व्यक्ति, तो ये बताइए अगर यहाँ से, यहाँ ध्यान समझिएगा, इनके बीच में यानी 4 व्यक्ति हैं तो रैंक कितना होगा, तो आप कहोगे रैंक जो होगा 5 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रैंक कितना हो गया, 5, तो इस साइड रैंक कितना होगा, क्योंकि 13 यहाँ से पूरा यहाँ तक 13 है, जबकि मैंने यहाँ पास बताया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रैंक है वो 5 है, तो इधर कितना होगा, तो कहोगे इधर होगा 8 + 8 = 5, 13 होता ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, ठीक। आगे अब क्या कह रहा है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति ये बताना है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति ये बताना है, तो 5 इधर चला गया, ठीक है, 5 ये हो गया, या तो एक काम कर लेते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा 11 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 11 + 8 ऐड कर दीजिए, तो 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19, और 19 से एक कम होते हैं व्यक्तियों की संख्या, तो यानी 18 व्यक्ति हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो कुल व्यक्तियों की संख्या 18 हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, रोहन दाएं बाएं छोर से 12वां है, ठीक है, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे ये बताना है। अब ध्यान समझिए ये प्रश्न, ध्यान समझना, यहाँ पास कम से कम आया है, ठीक। चलिए अब इसको समझते हैं, देखिए जब कभी भी कम से कम बात करें, कम से कम, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब फिगर बनाते हैं तो ओवरलैप करके बनाते हैं, अगर कम से कम आया प्रश्न में, ठीक है, तो ओवरलैप करेंगे हम, यानी फिगर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है, अगर अधिक से अधिक आएगा तो फिगर को कभी हम ओवरलैप नहीं करेंगे, उसको हम दूर दूर रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल दाएँ छोर से 11वां है, ठीक है, दाएँ छोर से 11वां है, तो देखिए दाएँ छोर से, तो दाएँ छोर से अगर कह रहा है तो इधर से नहीं बनाएंगे, अब निखिल को हमको दाएँ छोर से अगर बनाना है, ठीक है, तो हमको इस साइड से बनाना होगा, तो इस साइड से कौन नंबर पर है निखिल, 11वां नंबर पर, तो यहाँ पास लिख देते हैं निखिल, निखिल है 11वां स्थान पर, दाएँ से 11वें स्थान पर है। आगे क्या कह रहा है,
दाएं से ग्यारहवां है, रोहन बाएं छोर से बारहवां है, रोहन बाएं छोर से बारहवां है। तो रोहन अगर बाएं छोर से बारहवां है, आगे क्या कह रहा है कि यदि उनके बीच में पांच व्यक्ति हैं तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो कम से कम अगर कह रहा है तो ओवरलैप करेंगे, यानी बाएं साइड से, यानी यहां पास ऐसे कर रहा है। तो यहां से कौन है भाई, यहां से रोहन है, रोहन जो है यहां पास क्या है तो बारहवें स्थान पर है यहां से। और इनके बीच में कह रहा है कि इनके बीच में जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितना है, व्यक्तियों की संख्या पांच व्यक्ति है। अगर इनके बीच में पांच व्यक्ति हैं तो यानी कितना रैंक होगा, तो पांच से एक अधिक रैंक होता है, यानी रैंक से एक कम व्यक्तियों संख्या होता है, तो यानी व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक रैंक होगा, यानी छह हो जाएगा। तो ये बताइए यहां से लेकर, ध्यान समझिए, यहां से लेकर यहां तक छह है, जबकि यहां से लेकर ग्यारह है, तो यानी इधर पांच हो जाएगा। तो आगे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल रैंक निकालिए। तो टोटल अगर हम रैंक निकालें, टोटल रैंक अगर निकालते हैं, तो यहां से यहां तक बारह प्लस और इधर पांच, तो बारह पांच सत्रह, तो सत्रह से एक कम, तो यानी सोलह व्यक्ति हैं इस पंक्ति में। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या रहा है, तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अधिक से अधिक, जब अधिक से अधिक कहेगा तो फिगर ये नहीं बनेगा, ये ओवरलैपिंग कम से कम के लिए है। ठीक है, अब अगर अधिक से अधिक कहेगा तो फिगर ऐसे नहीं बनेगा, इसको ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अधिक से अधिक कह रहा है तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए फिगर थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि दाएं छोर से निखिल कौन सा स्थान पर, ग्यारहवें स्थान पर है। दाएं छोर से ग्यारहवें नंबर पर ये निखिल है। ठीक है, बाएं छोर से करेंगे तो हमको यहां पास बाएं छोर से रोहन को यहां बनाना होगा और ये बारहवां हो जाएगा। ठीक है, बाएं छोर से कौन नंबर पर हो गया, बारहवें स्थान पर। और इनके बीच में कुल कह रहा है कि पांच व्यक्ति हैं, अगर इनके बीच में पांच व्यक्ति हैं तो यानी रैंक कितना होगा, छह होगा। तो यहां से अगर निकालेंगे टोटल रैंक, तो टोटल रैंक जब निकलेगा तो बारह प्लस छः प्लस ग्यारह कितना हो जाएगा, बारह छः अठारह और ग्यारह तो उनतीस। तो उनतीस में से एक कम करेंगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, अधिक से अधिक अट्ठाईस। तो अट्ठाईस इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रश्न और करते हैं इस टाइप का। देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, लड़कियों के एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से दसवीं है, जो दाएं छोर से सत्रहवें स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से दसवीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, ये बताना है। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हमको करना है। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से दसवीं है। ठीक है, रीना जो है पल्लवी के बाएं से दसवीं है, जो दाएं छोर सत्रहवीं है। इसका मतलब ये जो यहाँ शब्द आया वो पल्लवी के लिए आया, किसके लिए आया, पल्लवी को। तो सबसे पहले पल्लवी को हमको बिठाना होगा, तभी तो हम रीना कर पाएंगे, क्योंकि पल्लवी से मतलब पल्लवी के रिस्पेक्ट में रीना का स्थान दिया है। तो पल्लवी को सबसे पहले हमको बैठाना होगा। तो पल्लवी को जब यहाँ पास हम बैठाएंगे, ध्यान समझिएगा, तो पल्लवी का स्थान दिया है किधर से, दाएं से। पल्लवी के स्थान दाएं से सत्रहवां है, दाएं सत्रहवां, यहाँ पास पल्लवी बैठी है, पल्लवी। ठीक है, पल्लवी यहाँ पास है। अब कह रहा है कि अब यहाँ पास कह रहा है लड़कियों के पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं दसवीं है, तो पल्लवी के बाएं इस साइड होगा, तो बाया पल्लवी के इस साइड होगा, तो यहाँ से कौन बैठी है, रीना बैठी है। तो रीना यहाँ से कौन नंबर पर है, दसवें नंबर पर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जो दाएं छोर सत्रहवें स्थान पर, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। तो स्वाति रीना की दाएं से चौथी है, तो रीना का दाया इस साइड होगा, तो स्वाति जो होगी यहाँ पास बैठी है, स्वाति यहाँ पास बैठी है। ठीक है, ये कौन नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। ठीक है, चौथी है। यदि स्वाति बाएं से दसवीं है, अब स्वाति जो है यहाँ पर, जो स्वाति बैठी हुई ये स्वाति, ये बाएं से कितने नंबर पर है, दसवें नंबर पर। स्वाति बाएं से दसवें नंबर पर है, स्वाति बाएं से दसवें नंबर पर है। तब कह रहा है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां, ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ से देखिए रैंक ही सबका दिया गया है, तो रैंक अगर यहाँ पास दिया है तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक चार है, तो बताइए इधर कितना होगा, तो इधर कहेंगे छः है। ठीक है, तो टोटल रैंक यहाँ पर निकालिए, टोटल रैंक निकालिए, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, प्लस ये 6 हो गया, और प्लस ये 17 हो गया, तो 10 6 16 16 दो 32 एक 33 33 का आंसर हो गया, 33 अभी आंसर नहीं, रैंक आ गया। तो इससे एक कम व्यक्तियों की संख्या होगी, 32 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो 32 हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसका, स्थान परिवर्तन यानी पोजीशन इंटरचेंज का। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या कि इसमें कोई दो व्यक्ति रहेंगे और वे व्यक्तियां अपने स्थान को
इंटरचेंज करेंगे, यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम और श्याम, दो व्यक्ति हैं, तो राम के स्थान पर श्याम पहुंच जाएगा और श्याम के स्थान पर राम पहुंच जाएगा, मतलब इस प्रकार से अपने पोजीशन को, अपने स्थान को परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार को हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए जैसा कि हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं है। ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे हमको पहले लिखना है, इंदु बाएं छोर से सातवीं है और जया दाएं छोर से नौवीं है। ठीक है, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से सत्रहवीं बन जाती है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये चीज़ बताना है। देखिए कह रहा है कि इंदु जो है बाईं छोर से, इंदु बाईं छोर से, मान लेते हैं इंदु यहाँ पास है, देखिए यहाँ पास है इंदु, इंदु बाईं छोर से कौन नंबर पर है, सातवीं नंबर पर है। ठीक है, इंदु बाईं छोर से सातवीं नंबर पर है और कह रहा है जया, जया दाएं छोर से नौवीं स्थान पर है। जया जो है मान लेते हैं यहाँ पास है जया, जया जया दाएं छोर से कौन स्थान पर है, नौवें स्थान पर है, नौवीं है, दाई छोर से नवी है। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, ये दोनों आपस में स्थिति को परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं, यानी इंदु यहां पास आ गई, यहां पास इंदु आ गई और जया यहां पास पहुंच गई, जया यहां पहुंच गई। ठीक है, इंदु यहां आ गई और जया यहां आ गई। अब इसमें क्या कह रहा है आगे, कह रहा बदलती है, तो इंदु बाएं से, बाएं छोर से सत्रहवीं बन जाती है, तो इंदु जो है यहां से लेकर यहां तक में कितना बन गई, सत्रहवीं बन गई, सत्रहवीं बन गई। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बाएं छोर से सत्रहवीं बन गई इंदु। ठीक है, तब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है तब पंक्ति में कुल कितनी व्यक्ति हैं ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप समझिएगा, देखिए या अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक रैंक आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रैंक है वो सात है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सत्रह है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो कहोगे दस, दस रैंक, यानी इसके बीच में पूरा दस रैंक है। ठीक है, ये तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, यह तो ऐसे निकाल सकते हैं भाई टोटल रैंक कितना है, टोटल, टोटल रैंक आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सत्रह है और नौ इधर है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर टोटल रैंक आपको पता चल गया तो टोटल व्यक्ति भी निकल आएगा, तो ये हो जाएगा सत्रह, सत्रह नौ, सत्रह नौ छब्बीस, तो छब्बीस यहाँ पास टोटल रैंक आया, तो टोटल रैंक से एक कम व्यक्तियों की संख्या होता तो कितना हो जाएगा पच्चीस, तो पच्चीस व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पच्चीस, हमारा आंसर कितना हो जाएगा पच्चीस। तो सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें एक छोर से दे दिया जाता है तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सात है, अब कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सत्रह है, सत्रह और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक नौ, तो सत्रह नौ पच्चीस टोटल रैंक हो जाएगा और टोटल रैंक से एक कम क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से दसवीं है और कमल दाएं छोर से आठवां है, जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से पंद्रहवां बन जाता है, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है ये बताना है। अब ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पास जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे करेंगे, तो मान लेते हैं दीप्ति जो है बाएं छोर से, दीप्ति बाएं छोर से, दीप्ति यहाँ पास है। ठीक है, तो दीप्ति बाएं छोर से दसवीं है, बाएं छोर से दसवीं है और कमल दाएं छोर से आठवां है, कमल दाएं छोर से आठवां है, यानी यहाँ पास है कमल, कमल दाएं छोर से आठवां है। ठीक है, कह रहा है कि जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से पंद्रहवां हो जाता है, यानी जब आपस में, यानी कमल यहाँ पास आता है और दीप्ति यहाँ पास पहुँच जाती है, दीप्ति यहाँ पहुँच जाती है, तो जो कमल है ना वो दाएँ छोर से, यानी यहाँ से, यहाँ से पंद्रहवें नंबर पर आ जाता है। ठीक है, कमल दाएं छोर से पंद्रहवें नंबर पर आ गया। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, तब कह रहा है तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि कमल यहाँ से दाएं छोर से कौन नंबर पे था, तो कमल दाएं छोर से अगर यहाँ पास देखेंगे स्थान बदलने से पहले, तो स्थान बदलने से पहले जो कमल था दाएं छोर से आठवां था, यानी यहाँ से यहाँ तक आठवां था। तो ये बताइए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आठ है, ठीक है पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आठ है और जबकि यहाँ से लेकर पूरा पंद्रह है, तो आठ सात पंद्रह, यानी इसके बीच में ये जो दूरी यानी डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा सात। ठीक है, अब यहाँ पास कह रहा है कि दीप्ति अब कौन सा स्थान पर है, दीप्ति यहाँ पास है, तो कह रहा है दीप्ति जो है, दीप्ति लेफ्ट से किस स्थान पर होगा, तो दस तो ये हो गया, दस ये वाला और सात ये, तो दस सात सत्रह नंबर पर हो जाएगा, यानी दीप्ति का जो स्थान है वो आंसर क्या हो जाएगा, दीप्ति का स्थान क्या हो जाएगा, दस और प्लस सात, यानी लेफ्ट से सत्रहवीं नंबर पर हो जाएगी दीप्ति, लेफ्ट से सत्रहवीं नंबर। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।
देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है तब उनके बीच में 8 व्यक्ति 8 लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। देखिए प्रश्न जैसा कहेगा वैसे ही हमको करना है। इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, तो यहाँ पास हम बनाते हैं टीना को, टीना यहाँ पास है और बाएं छोर से कौन नंबर पर, 15वीं नंबर पर, टीना बाएं छोर से 15वीं नंबर पर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, तो यहाँ पास मैं रजनी को बनाता हूँ, रजनी यहाँ पास है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, दाएं छोर से 16वीं है। ठीक है, ये हो गया। रजनी टीना के दाएं हैं, अब रोज रजनी है वो टीना के दाएं हैं, ठीक है अभी सही है, रजनी टीना के दाएं हैं, ठीक है मेंशन कर दिया, रजनी टीना के दाएं हैं। आगे क्या कह रहा है, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है यानी इस साइड खिसकेगी, इधर खिसकेगी नहीं क्योंकि इसका बाया इधर होगा, 5 स्थान यानी यहाँ पास यहाँ तक आ गई टीना, यहाँ पास आ गई, ठीक है बाएं खिसकती है टीना, बाएं खिसकती है, बाएं खिसकती है, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं यानी जब यहाँ से यहाँ तक बाएं खिसक आएगी यानी यहाँ पास आ जाएगी, ठीक है तो उनके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितनी लड़कियां होंगी, 8 लड़कियां, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 8 लड़कियां बैठी हैं तो रैंक कितना होगा, तो रैंक होगा 9, रैंक कितना होगा 9 यानी इन यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितने रैंक आ जाएंगे, 9 रैंक, क्योंकि लड़कियाँ 8 है तो लड़कियों से एक अधिक होगा यानी 8 से एक अधिक रैंक होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, 8 लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आप यहाँ से बताइए, यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो इनके बीच में कितने हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक, अब कह रहा है कि 5 स्थान पीछे खिसक रही है, 5 स्थान पीछे खिसकने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 10 टोटल रैंक यहाँ पास निकालिए, टोटल रैंक अगर हम टोटल रैंक निकालेंगे तो 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक 9 और प्लस ये पूरा 16 कितना हो जाएगा, 16 और 10 26, 26 और 9 35, 26 9 35, तो 35 यहाँ पास टोटल रैंक आ गया, और इससे अगर हम एक कम कर देंगे तो 34 लड़कियाँ हो जाएंगी, तो हमारे जो पंक्ति है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियाँ हैं, 34 लड़कियाँ हैं, तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां स्थान है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पास कह रहे हैं वैसे हमको करना है, तो सफल और असफल यहाँ पास मैं रेशियो पहले निकाल लेता हूँ, सफल और असफल, सफल और असफल व्यक्तियों का जो रेशियो है वो है 4:1, 4:1 रेशियो आ गया 4:1। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, सफल और असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। हाँ, अब इसमें कह रहा है कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो एक हम यहाँ पास फिगर बनाते हैं उत्तीर्ण विद्यार्थी का यानी सफल विद्यार्थी का। देखिए कह रहा है कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, नीता ऊपर से कह रहा है तो ऊपर से हम यहाँ पास आएंगे, तो नीता ऊपर से 22वीं है यानी यहाँ पास नीता है, और कौन नंबर पर है, 22वीं नंबर पर है, ऊपर से 22वीं है, ठीक है ऊपर से 22वीं है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, तो 5 स्थान नीचे है यानी कमल जो है 5 स्थान नीचे होने का मतलब ये है कि कमल यहाँ पास है यानी यहाँ से यहाँ तक 5 स्थान नीचे है। ठीक है, कमल 5 स्थान नीचे है। आगे क्या कह रहा है,
नीचे, हाँ नीचे है, और नीचे से 34वें स्थान पर है, यानी जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है, नीचे से कमल 34वें स्थान पर है, यानी यहाँ पास है, 34वें स्थान पर है। ठीक, तो कमल नीचे से 34वें स्थान पर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम सफल विद्यार्थियों का, अगर यहाँ पास हम टोटल सफल विद्यार्थी निकालेंगे, टोटल सफल विद्यार्थियों का रैंक कितना है, तो सफल विद्यार्थियों का रैंक यहाँ पास निकाल लेते हैं, टोटल रैंक सफल का, टोटल अगर हम रैंक निकालें तो टोटल रैंक कितना हो जाएगा, कहोगे 22 ये प्लस 5 ये, 5 ये और 34 ये, यानी ये टोटल रैंक निकल के आएगा, ये टोटल रैंक निकल कर आएगा, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, तो 22 यहाँ पास देखिए, 22 5 27, 27 4 27 4 31, 31 30, 60 61, कितना आ गया, 61 आ गया, तो टोटल रैंक आ गया 61। तो टोटल रैंक से एक कम जो होगा वो 60 होंगे, तो 60 जो यहाँ पास हैं वो टोटल सफल विद्यार्थी हैं। ठीक है, टोटल सफल विद्यार्थी हैं, तो सफल विद्यार्थी यहाँ पास रेशियो में कितना दिया है, 60 जो है, 60 ये 4 की वैल्यू है, हमको असफल का निकालना है तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो असफल का हो जाएगा 4 से 15 चौको 60, तो 15 1 कम 15, यानी 15 जो है यहाँ पास असफल हैं, तो असफल विद्यार्थी 15 हैं और सफल विद्यार्थी 60 हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी पूछा जा रहा है, कुल, तो 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 75, तो 75 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 75 जो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, यदि समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अच्छा लग रहा है तो मतलब वीडियो को लाइक भी करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ याद रखिएगा, मैं कुछ बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ पास आपके क्वेश्चन यानी प्रश्न में अगर ये शब्द आए पहले या आगे या ऊपर, अगर ये शब्द आपके प्रश्न में आ रहा है तो इसको हम ऊपर की ओर मानेंगे, क्या मानेंगे, ऊपर की ओर, इसको हम ऊपर की ओर मानेंगे, आगे पहले ऊपर अगर ये शब्द प्रश्न में आ रहा है तो इसको हम ऊपर की ओर मानेंगे, और अगर आपके प्रश्न में आ रहा है बाद में या पीछे या नीचे, अगर ये शब्द आ रहा है तो इसको हम मानेंगे नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है, इसको हम नीचे की ओर मानेंगे, तो ये पॉइंट आपको कहीं पास नोट करके लिख लेना है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी हैं, मोहित ऊपर से 15वां है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, तब क्वेश्चन 3 लिखे हुए हैं, पहला क्वेश्चन है तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं, और तीसरा क्वेश्चन है कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जैसा प्रश्न में कहेगा वैसे ही हमको करना है, तो देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, कह रहा है 60 विद्यार्थी टोटल हैं, टोटल 60 विद्यार्थी हैं, यानी 60 स्टूडेंट्स टोटल हैं, इसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं जो लड़कियां हैं, अगर बॉयज 1 हैं तो लड़कियां 2 हैं। ठीक है, तो यहां पास अगर देखोगे तो यहां पास टोटल जो है, अगर यहां पास देखें तो यहां पास टोटल कितने यूनिट होगा, तो टोटल यहां पास 2 और 1 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा, जबकि टोटल कितने हैं 60 हैं, तो 3 यूनिट जो है 60 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने बराबर होगा, 20 के बराबर, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई 20 बॉयज हैं और 20 दूना 40 लड़कियां हैं, 20 दूना 40 लड़कियां हैं, यानी आप यहां पास लिख सकते हैं, आप आराम से लिख लीजिए कि भाई बॉयज की संख्या कितना है, चलिए मैं यहां पास लिख देता हूं, यानी जो बॉयज हैं वो 20 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 40 हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, इसकी क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसको मैं रफ कर दूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि
मोहित ऊपर से 15वां है, मोहित ऊपर से 15वां, यानी यहां से लेकर यहां तक जो मोहित है वो 15 है, 15वां नंबर पर है, यानी यहां पास मोहित बैठा हुआ है, मोहित ऊपर से 15वां है, ठीक है, ऊपर से 15वां है। यदि पांच लड़के मोहित के आगे हैं, पांच लड़के इसके आगे हैं, यानी यहाँ पास फाइव बॉयज बैठे हुए हैं, फाइव बॉयज बैठे हुए हैं, तो बताए पूरे स्टूडेंट्स यहाँ पास कितने बैठ सकते हैं, तो 15वां तो रैंक इसका, इसको इसके ऊपर 14 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, बस 14 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 14 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अब पांच अगर लड़के बैठ गए तो इसका मतलब इसके ऊपर कितनी लड़कियां होंगी, तो 14 में से पांच लड़के बैठ गए तो लड़कियां कितनी होंगी, 9। अब 9 लड़कियां यहां पास होंगी, तो गर्ल्स यहां पास जो हो गई, जो गर्ल्स हो गई वो 9 हो गई, और यहां पास जो बॉयज हैं तो बॉयज कितने हैं यहां पास, तो आप कहेंगे जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, 5 इसके ऊपर हैं। तो अब यहां पास अगर बताइए आप कि अगर 9 लड़कियां, 40 में से 9 लड़कियां यहां पास इसके ऊपर बैठ गई, मोहित के ऊपर 49 लड़कियां बैठ गईं, तो 31 लड़कियां इसके नीचे होंगी, तो इसके नीचे जो होंगी लड़कियों की संख्या कितनी होंगी, गर्ल्स की, तो गर्ल्स हो जाएंगे 31, और इसके नीचे लड़कों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि लड़के ऊपर जो है पांच लड़के ऊपर और मोहित को लेकर 6 हो गए, तो टोटल लड़के कितने हैं, 20 हैं, तो इसके नीचे कितने होंगे लड़के, तो इसके नीचे जो बॉयज होंगे वो 14 होंगे, 14। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, तो मोहित के पीछे कितने लड़के हैं, 14 लड़के, तो आंसर हमारा हो जाएगा, पहले का आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं, कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं, तो मोहित के आगे 9 लड़कियां, तो 9 लड़कियां, ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, तो मोहित के पीछे टोटल 31 लड़कियां, तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम लोग अब प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, तो दिव्या की कक्षा में कितना रैंक होगा ये बताना है, ठीक है। तो कक्षा में टोटल रैंक मतलब टोटल विद्यार्थी कितना है, 50 हैं, यानी टोटल 50 विद्यार्थी हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 50 हैं। अब आगे कह रहा है कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है, अगर रैंक 15वीं है तो यानी रैंक जो होता है ऊपर से ही लिया जाता है, तो भारती की रैंक 15वीं है, तो रैंक 15वीं मतलब यहाँ पास भारती है, तो रैंक जो होता है ऊपर से होता है, ठीक है। तो ऊपर से भारती का रैंक कितना है, तो ऊपर से भारती की रैंक जो है 15वीं है, और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, तो दिव्या भारती से 4 स्थान आगे का मतलब ये है कि भाई दिव्या जो है यहाँ पास 4 स्थान आगे है, ठीक है, तो यानी इसके आगे 4 स्थान है, तो 4 स्थान आगे यानी यहाँ पास है, यहाँ पास दिव्या है, तो दिव्या यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 4 है, कितना है, 4 है, ठीक है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 15 है, ठीक है। तो ऊपर कितना होगा, तो कहोगे ऊपर जो है वो ग्यारहवें स्थान पर दिव्या है, ऊपर ग्यारहवें स्थान पर दिव्या है। तब आगे क्या कह रहा है, तो दिव्या की कक्षा में कितना रैंक होगा, तो दिव्या की जो कक्षा में रैंक होगा वो होगा 11, तो 11 हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11।